Good morning students. In this video we shall be studying functions of cell membrane or plasma membrane. The first part refers to general function of plasma membrane. It indicates compartmentalization. Iska matlab kya hai? Separation of organs from the cytoplasm. Separation of organs and their contents from the cytoplasm of cell. ये हमें कहाँ मिलेगा? Eukaryotes में मिलेगा, बराबर. It protects the cell and cell content from mechanical injuries. Information जो है वो जाती है कहाँ? Within the cell. Within the cell, one organ to another. और एक सेल से दूसरे सेल में, दोनों टाइप में ट्रांसफर इज पॉसिबल. ऑर्गेनिक जंक्शन, ऑर्गेनिक का यहां मतलब होता है नेचुरल कनेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल. जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने मॉडिफिकेशंस एक्सप्लेन किए उनके बारे में बात कर रहा हूं, जिससे सेल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट शोज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. डिफरेंशियल परमिएबिलिटी के थ्रू वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है. रिकॉग्निशन साइट प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और अटैचमेंट पॉइंट. एंटीजन स्पेसिफिसिटी, रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर हार्मोन्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. कैरियर प्रोटीन्स आर देयर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अलग अलग टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं. अलग अलग टाइप के एंजाइम्स की बात करते वक्त यहाँ आता है ATPase, जो सिंथेसिस ऑफ ATP के लिए, जो हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों ऑर्गन्स के मेम्ब्रेन में मिलते हैं, बराबर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट. आपने अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें आपको यह समझ में आएगा कि वहां इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो F1 पार्टिकल है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट. इनफोल्ड्स है. इनफोल्ड्स जो है वो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों में हेल्प करते हैं. एब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, माइक्रोविलाय, एक्सोसाइटोसिस है. नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स का शीथिंग है. मूवमेंट ऑफ सेल इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. But this was just a listing of few generalized functions. The question is how plasma membrane or the cell membrane functions. Barabar. And in this part I am referring to membrane transport, and this becomes an important point as far as understanding is concerned. बेसिकली मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के मुझे तीन टाइप्स मिलते हैं. एक को मैं बोलता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को मैं बोलता हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा जो है उसे मैं टर्म देता हूँ बल्क ट्रांसपोर्ट, बराबर. पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन, इस पार्ट में ये तीन चीजें काम करती है, बराबर. वन बाय वन हम लोग एक एक पॉइंट पे आएंगे. पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एक डायग्राम मैं रेफर कर रहा हूँ. दिस entire part, rectangular parts, they represent the membranes. Label कर देते हैं. ये membrane है, ये भी membrane है, और इस membrane के across तीन methods का part यहां आता है. Passive lipid soluble, passive channel diffuse और facilitated diffusion. यहां क्या हो रहा है? These are molecules on the outer side of the membrane. They are of different sizes. Detailing आगे होने वाला है, undoubtedly होगा. ये सारे अलग अलग size के particles है यहाँ. They pass through this membrane and reach to the inner part of the cell. This is the movement. This direction of the movement of substances. यहां क्या हो रहा है? पैसिव चैनल डिफ्यूज में जो पार्टिकल्स है, जो सब्सटेंसेस है, जिन्हें ट्रांसफर करवाना है,
उनका ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस थ्रू द फैसिलिटेटेड पार्ट. फैसिलिटेटेड पार्ट का मतलब यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है, स्पेशल रीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द मेम्ब्रेन जहां से ये ट्रांसफर हो रहा है. बराबर. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां हम लोगों कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंस मिलता है ऑन द मेम्ब्रेन, जो गेटेड चैनल्स या प्रोटीन्स हो सकते हैं, और उनके थ्रू सब्सटेंसेस जो है उनकी मूवमेंट हो रही है लाइक दिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे आर रीचिंग टू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर पार्ट. अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पैसिव डिफ्यूजन के लिए सबसे पहले बात करते हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन जो हम लोग लेंगे तो वो कहां कहां से हो सकता है ये पार्ट याद रखो. पैसिव डिफ्यूजन जो है वो लिपिड मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन या फिर विद द हेल्प ऑफ चैनल है. यानी यहां मुझे दो पॉइंट्स मिले. नंबर एक, कहां से हो सकता है ये? दिस कैन टेक प्लेस थ्रू लिपिड मैट्रिक्स और इट कैन बी कैरिड आउट थ्रू चैनल्स. और इसलिए देखो यहाँ इसके दो टाइप्स मिले बच्चों. एक जो है भाई वो न्यूट्रल सोल्यूट्स एंड लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, और दूसरा जो है वो ओपन चैनल ट्रांसपोर्ट है. ये सारे किस में आएंगे? पैसिव डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में. अब न्यूट्रल सोल्यूट्स की बात करेंगे पहले. न्यूट्रल सोल्यूट्स की जब बात करते हैं तो दे मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये सिंपल डिफ्यूजन से जा रहे हैं. अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. ऐसे पार्ट में अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चल रहा है तो देयर विल बी नो एनर्जी एक्सपेंसेस, नो एटीपी मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. पानी के फ्लो के साथ अगर हम लोग फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं लगेगी, बट जब हम लोग अगेंस्ट जाने की बात करते तो वी नीड एनर्जी. सो अलोंग का जब पार्ट है तो एनर्जी एक्सपेंसेस है ही नहीं. ये लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए हुआ. जब मैं ओपन चैनल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ओपन चैनल ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ क्या हो रहा है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टनल प्रोटीन्स ओवर द मेम्ब्रेन. वाटर चैनल्स का प्रेजेंस है जिन्हें एक्वापोरिन्स बोला जाता है. वो वाटर और वाटर सोल्यूबल गैसेस को ट्रांसफ़र करवाएंगे. अब ये वाटर सोल्यूबल गैसेस यानी कौन से बच्चों? दो टाइप के वाटर सोल्यूबल गैसेस की बात जनरली होती है. एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा ऑक्सीजन. इन दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, बट वो ट्रांसफर कैसा है? अगेंस्ट कहीं नहीं जा रहा. अगेन ये पार्ट ये है कि दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसका मतलब क्या है कि जब जब पैसिव प्रोसेस हो रही हो तो पैसिव प्रोसेस में यू विल नेवर रिक्वायर एनर्जी. बराबर. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, डायलिसिस है, ऑस्मोसिस है, ये इनके एग्जाम्पल है ओपन चैनल में. जब मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा? देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मुझे आयन चैनल्स मिलते हैं, परमीएजेस एंजाइम है, को ट्रांसपोर्ट की बात होती है. ये को ट्रांसपोर्ट को लेकर एक पॉइंट बता दूँ कि इसको कई बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा करके ही कंसिडर किया जाता है, बट इसे कुछ ऑथर्स जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रखते हैं. ये आगे मैं बोलने वाला हूँ. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कर रहा है? इट इन्वॉल्व्स एजेंसी ऑफ गेटेड चैनल्स एंड परमीएजेस. ट्रांसपोर्ट ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने के वजह से नो एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यू डोंट नीड एटीपी. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज द ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यहाँ तीन चीजें हैं. एक आयन चैनल है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में. बराबर. दे डू नॉट पास इन डिसॉल्व्ड स्टेट, ओनली आयन्स मूव थ्रू द चैनल्स. बराबर.
ये बहुत सारे गेटेड चैनल्स ही होते हैं, परमीएजेस है, फैसिलिटेटेड पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और ये सैचुरेशन को लायबल है। एक बार सारे एंजाइम्स परमीएजेस या प्रोटीन्स जो है वो ब्लॉक हो गए जाते वक्त, सबने अपना अपना मॉलिक्यूल उठा लिया, तो वो सैचुरेशन हो जाएगा। देखो किसी भी कार की बात करते, एक कार में मैक्सिमम ड्राइवर पकड़ के 5 लोग बैठते, 5 लोग बैठ जाने के बाद उस कार में सैचुरेशन हो गया, तो अगले जो पैसेंजर्स है जिन्हें छोड़ना है उनके लिए वो कार वैकेंट होनी चाहिए। तो जब तक के जगह अवेलेबल नहीं होती तब तक आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो यहाँ लायबल टू सैचुरेशन ये पार्ट आ गया। को ट्रांसपोर्ट की हम लोग जब भी बात कर रहे थे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दैट अकंपनीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट इसको कंसिडर किया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। इन सभी के साथ सेल मेम्ब्रेन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दिखाती है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या याद रखना है, इट इज अपहील ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहां सोल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट अगेंस्ट देयर केमिकल कॉन्सेंट्रेशन और ग्रेडियंट है। अब तक हम लोग अलोंग चल रहे थे, अब कैसे चल रहे, अगेंस्ट चल रहे, यानी कहां से कहां तक भाई, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ये पर्टिकुलर मूवमेंट अगेंस्ट हो गई, और जब जब हम लोग अगेंस्ट जाएंगे तो दैट अगेंस्ट पार्ट जो है इट रिक्वायर्स एनर्जी, और वो आती है कहाँ से, ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। इस केस में एटीपी का क्या होगा, इस केस में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिलीजेस एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस मिलती है क्या, तो एब्सॉर्प्शन रिड्यूसेस और स्टॉप्स इफ ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीजेस। अब एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनते हैं, रेस्पिरेशन ये एरोबिक प्रोसेस हो गई। अब अगर, या एनारोबिक भी होती है बट हम लोग यहाँ एरोबिक की बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बन रहे हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी ना होने के वजह से एब्सॉर्प्शन जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हैम्पर होगा, अफेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी अवेलेबल नहीं है। मेटाबोलिक इनहिबिटर्स होते हैं साइनाइड जैसे, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं, तो वो भी एनर्जी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। सोल्यूट्स अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो भी प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। एब्सॉर्प्शन इज वेरी सिलेक्टिव, एक्टिव एब्सॉर्प्शन ये सिलेक्टिव होता है, वो प्रोटीन के साइज पे भी डिपेंड, वो मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है और टाइप पे भी डिपेंड करता है। कई बार सेल्स जो है वो सॉल्ट को एक्यूमुलेट कर लेती है या फिर बाकी सब्सटेंसेस को एक्यूमुलेट करती है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ते जाता, बराबर। अब ऐसे केस में एक चीज और याद रखनी चाहिए सबने, कि रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा। एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, और एनर्जी जहां इन्वॉल्व्ड होती है वहां प्रोसेस का रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, रैपिड रेट रहेगा। जैसे जैसे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी बढ़ता है, और फिर वो पहुंचता है मैक्सिमम पे। अब मैक्सिमम पे आ जाने के बाद यहाँ पे भी सैचुरेशन होगा, कैरियर मॉलिक्यूल्स और कैरियर प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व है। देखो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ये 11th NCERT के चैप्टर नंबर 11 का डायग्राम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। ये जो एनर्जी यहाँ यूज होती है ना, वो इस प्रोटीन के कन्फर्मेशनल, यहाँ कॉन फॉर्म ऐसा बोलो तो ज्यादा बेटर है, रॉ इंग्लिश हो गया जानता हूं मैं, लेकिन चलेगा, 3-dimensional ज्योमेट्री ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल चेंजेस विद द यूज ऑफ एनर्जी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल सच सब्सटेंसेस From outside of the cell to the inner side of the cell, देखो conformational change आने के वजह से ये transport हुआ है। यहाँ एक point और involved है, active transport में कई बार sodium potassium exchange pump काम करता है, this is most important। ये कहाँ मिलता है, it operates in many animal cells at their plasma lemma और plasma membrane।
ऐसे कई प्रोटॉन पंप्स ऑपरेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रियन में, बैक्टीरिया में। जब सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप काम करता है तो एंजाइम एटीपीएज भी इन्वॉल्व है, जो बेसिकली कैरियर मॉलिक्यूल करके काम करता है। यहाँ जो एटीपी का यूज है, जो एनर्जी हम लोग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज करते हैं, वो क्या कर रही है? तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था भाई कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाती है कैरियर प्रोटीन में, उसकी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बना जो है वो चेंज होती है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पंप है जो काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पंप आएगा, प्रोटॉन पंप्स आएंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड है, बराबर। और ये सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ देखो, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है तब तीन सोडियम आयन्स बाहर के तरफ जाते हैं और दो पोटेशियम आयन्स अंदर के तरफ आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सोडियम पोटेशियम पंप किस टाइप के फंक्शंस करता है? वो मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा है और इलेक्ट्रोनिगेटिव पोटेंशियल ये ऑन द इनर साइड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्लेलिस्ट में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स को देखो, वो रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप करता है नर्व सेल पे, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सॉल्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अनमेटाबोलाइज्ड सोडियम आयन्स, अनसिक्रीटेड सोडियम आयन्स जो है, दे आर पास्ड बैक इनटू सेल। ऐसा बल्क ट्रांसपोर्ट भी है, दिस विच इज द थर्ड मैकेनिज्म और थर्ड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्वॉल्व बाय द प्लाज्मा, कैरिड आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बल्क ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट्स होते हैं भाई, एक वो होता है वो पिनोसाइटोसिस और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। दिस इज डायग्राम फॉर पिनोसाइटोसिस। इस पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, बराबर। अब सेल ड्रिंकिंग बोला है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड सब्सटेंसेस। जितने फ्लूइड सब्सटेंसेस है इनका ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है, ये बात याद रहे। इस पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस को कई बार एक टर्म और दिया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड एज पोटोसाइटोसिस, बराबर। इसे हम लोग पोटोसाइटोसिस बोलते हैं। ये एनक्लोजर ऑफ मटेरियल के वजह से हो रहे पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ऐसे इसको बोला जाएगा, जितने वेसिकल्स बनते हैं ना इसमें, वो सारे केमिकल स्टिमुलस में बनते हैं। चलिए पिनोसाइटोसिस को आगे बढ़ाते हैं कि देर इज इनटेक ऑफ लार्ज साइज लिक्विड न्यूट्रिएंट और इसे प्रोसेस हो गई पिनोसाइटोसिस एंड द सेल इज कॉल्ड एज पिनोसाइट। देखिए ये फ्लूइड ड्रॉपलेट्स है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे फ्लूइड ड्रॉपलेट्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ गए, अंदर धीरे धीरे उन्हें लिया गया और एंगल्फ किया गया, जिसके चलते पिनोसोम की डेवलपमेंट हुई है। और फाइनली क्या होता है, दिस पिनोसोम रप्चर्स और रप्चर होने के बाद ये इस मटेरियल को रिलीज कर देगा कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। एंड दैट मटेरियल मे बी ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल, वैक्यूल का मेम्ब्रेन स्टोनोप्लास्ट, बराबर। ऑथर या फिर इंटेलेक्चुअल्स ये बोलते हैं कि फॉर इनटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉकेट इज फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या है? तो ये मेम्ब्रेन अंदर के तरफ इस तरीके से फोल्ड हुई, पिट बनाया उसने, और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर इस तरीके से और डेप्थ बढ़ाते गया और डेप्थ बढ़ाते बढ़ाते वो ऐसा स्ट्रक्चर बना। पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो होते हैं दे सेपरेट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड डेवलप्स इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल। इसको फूड वैक्यूल ही बोला है, बट बेसिकली वो पिनोसोम है जिसमें फूड नहीं लिक्विड है। डाइजेशन ऑफ पिनोसोम कौन करता है? तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करता है। उसको कौन बना रहा? प्राइमरी लोम लाइसोसोम बनाते। लाइसोसोम का मतलब ही है लाइसिस एंड डिग्रेडेशन। ऐसा दूसरा प्रोसेस क्या है? ऐसा दूसरा प्रोसेस है बच्चों फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल इज एंगल्ड। यहाँ क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं देखो, सेल ईटिंग प्रोसेस ऐसा इसको बोला है, बराबर। सेल ईटिंग प्रोसेस है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग सेलुलर डेब्रिस या फिर माइक्रोब्स भी, जिसे फैगोसाइटोसिस बोला गया।
जिस मटेरियल का इंजेशन करना है इट बाइंड्स टू द सेल सरफेस, ये है वो सॉलिड पार्टिकल, ये आके जुड़ गया मेम्ब्रेन को, धीरे से मेम्ब्रेन ने इसे अंदर ले लिया, अंदर आने के बाद इसका फैगोसोम बना, ये देखो ये फैगोसोम बना, फैगोसोम के ऊपर लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है और जिससे डाइजेस्टिव वैक्यूल बना, ये रेसिडुअल वैक्यूल है, सारा मटेरियल ले लिया गया। अब इसमें क्या रहेगा, यहाँ अनडाइजेस्टेड मैटर है, वो धीरे धीरे बाहर आया और इफेजी या एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हुई और अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिलीज कर दिया सेल के बाहर। फैगोसाइटिक वेसिकल सेपरेट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन और फैगोसोम बन के आया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट किया फैगोसोम को। ऐसी सेल जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो फैगोसाइट से, एग्जाम्पल कौन है, WBCs और माइक्रोफेजेस, बराबर। इस प्रोसेस को हमने ये भी बोला एग्जोसाइटोसिस, बराबर। कुछ बुक्स जो है वो इसे बोलते हैं सेल वोमिटिंग प्रोसेस, बराबर, क्योंकि सेल अपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाल रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग फंक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट्स कैरिड आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां आके हम लोग सेल के सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन पार्ट्स तक पहुंचे। अब हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है साइटोप्लाज्म, जिसके कंपोनेंट्स है तीन, एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज और तीसरा सेल इंक्लूजन। यहां से हर ऑर्गन के सेपरेट वीडियोज रहेंगे, हर सेल ऑर्गन के सेपरेट वीडियोज रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, समय सही तरीके से यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।